हेलो एवरीवन, दिस इज डी कुमार सर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर। आज की इस वीडियो में मैं फिर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्पोकन का स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद करेगी। आप अगर बेसिक से एडवांस लेवल का इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो खासकर हिंदी लैंग्वेज स्पीकर है, जो हिंदी बोलता है, उसके लिए अंग्रेजी वो कैसे सीखे उस पे मैं काम कर रहा हूँ और आपके लिए वीडियो लाता हूँ हिंदी भाषी के लिए, ताकि आसानी से आप इंग्लिश को समझ पाए और किसी भी प्रकार की समस्या आपको इंग्लिश बोलने में ना हो। तो आज का जो स्ट्रक्चर है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, दिखाइए। और आज का ये जो स्ट्रक्चर है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हूज, होम, देख लीजिए आप लोग, ये सारे डब्ल्यू एच फैमिली है, दिखाइए, सारे डब्ल्यू एच फैमिली है। क्यों डब्ल्यू एच फैमिली है? क्योंकि सब में जो है ना डब्ल्यू एच लगा हुआ है स्टार्टिंग में, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, और सिर्फ एक हाउ जो है यह एक अपवाद है, राइट, ये फॉलो नहीं करता है। डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, ये सारे डब्ल्यू एच फैमिली है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, हूज मीन्स जिसका, और हु मीन्स किस से, राइट। और इसके बाद आप लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन, और इसके बाद आप लोग अदर वर्ड के बाद अदर क्लॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहां तक भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दूसरा क्लॉज इसमें ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो आप दूसरा क्लॉज भी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आइए, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या करें, राइट, क्या करें, व्हाट टू डू, कहां जाएं, वेयर टू गो, किससे बात करें, हुम टू टॉक, राइट, कैसे जाएं, राइट, हाउ टू गो, तुमसे कैसे मिले, हाउ टू मीट यू, राइट, कब तुमसे मिले, व्हेन टू मीट यू, क्या करें, यह एक समस्या है, देखिए इसमें अदर क्लॉज इंक्लूड हो गया, क्या करें, यह एक समस्या है, व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको प्रश्न पूछना हो, कहां जाए, क्या करे, कैसे करे, किससे मिले, क्यों तुमसे बात करे, क्यों पढ़ाई करे, क्यों पैसा कमाए, राइट, तो ये जो प्रश्न करना हो, तो आप लोग डब्ल्यू एच वर्ड्स, राइट, प्लस इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको अदर क्लॉज इंक्लूड करना हो तो इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ट्रांसलेट आप आसानी से कर सकते हैं, राइट, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप वाकई में बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, राइट, तो सारे वीडियोस को आप लोग देखें और आसानी से इंग्लिश को समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।